गांवों के बाद अब शहरों में भी मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहरी मनरेगा की घोषणा बजट में की थी। इसके तहत हर बेरोजगार परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। रोज 8 घंटे काम कर बेरोजगार 100 दिन में 25,900 रुपए तक कमा सकते हैं। योजना के तहत रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहरी रोजगार योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, रोजगार किसे मिलेगा, एक परिवार में अधिकतम कितने लोगों को काम मिल सकता है, क्या क्या काम करना होगा, इन सारे सवालों के जवाब के साथ साथ स्कीम की पूरी डिटेल। जी हां, आपको बता दें 200 से ज्यादा नगर पालिका क्षेत्रों में इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। हर जिले की नगर पालिका, नगर निगम व नगर परिषद के लिए अलग अलग बजट निर्धारित है। जरूरत के अनुरूप पालिकाएं काम का निर्धारण करके उन्हें इस योजना के तहत करवाएगी। इसमें 18 से 60 साल की एज ग्रुप के लिए लोगों को रोजगार दिया जाएगा। राजधानी जयपुर में 14 नगर निकायों में मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने 41,35,00,000 रुपए का बजट मंजूर किया है। कुल 14,258 जॉब कार्ड जारी होंगे। नोडल एजेंसी नगर निगम हेरिटेज के AEN सत्यनारायण वर्मा ने बताया कि जयपुर जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें अकेले हेरिटेज के 550 आवेदन हैं। काम शुरू होने से पहले 7-7 दिन का मस्ट रोल बनाया जाएगा और 7-7 दिन के काम का वेरिफिकेशन होने के बाद ऑनलाइन वेतन ट्रांसफर किया जाएगा। आवेदक जिस वार्ड या जिस जोन का है उसे वहीं पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में पब्लिक प्लेस पर पौधारोपण, गार्डन के रखरखाव, फुटपाथ, डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए पौधों को पानी देने का काम मिलेगा। तालाब, बावड़ी, जोहर आदि की मिट्टी निकालने, सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्ट्रक्चर का निर्माण एवं रखरखाव का काम शामिल है। इसके अलावा डंपिंग साइट पर कचरे के सेग्रीगेशन, मोक्षधाम की सफाई, सामुदायिक शौचालय व नाला नालियों की सफाई का काम भी दिया जाएगा। सड़क व सार्वजनिक स्थल पर झाड़ियों व घास की सफाई, शहरों में लगे अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाने, सड़क डिवाइडर, रेलिंग, दीवार पर पुताई पेंटिंग समेत अन्य कई तरीके के काम करवाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।